तुम्हारे सिर पर है श्याम धनी रो हाथ कोई तो। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। आप सभी श्याम भक्तों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 1 जनवरी 2023 है, नया साल आ चुका है। बाबा श्याम के दर्शन आप लोग अभी भी नहीं कर पाए क्योंकि मंदिर अभी भी मंगल है बाबा का, परंतु आपके आसपास के जो भी श्याम बाबा का मंदिर है वहां तो आप दर्शन करके आ ही गए होंगे। आज के दिन संडे भी है, ऊपर से नया साल का भी दिन है, पहला दिन है, तो मंदिरों में काफी भीड़ है, भीड़ भाड़ है। परंतु देखिए, मैं तो अपने नजदीकी मंदिर में दर्शन कर आया, महादेव के मंदिर में जाके हम दर्शन करके आए, उन्हें जल चढ़ा कर आए महादेव को, तो जल हमने चढ़ा दिया। परंतु उसके बाद मनवा जस्ट एक न्यूज आई मेरे पास कि बाबा श्याम का मंदिर यानी खाटू धाम सीकर राजस्थान मंदिर कब खुलेगा, इसके बारे में एक न्यूज मैंने देखी। मैंने सोचा जल्दी से आपको इसके बारे में बता दूं इसमें क्या न्यूज आई है, क्योंकि मैं इससे पहले भी आपको वीडियो में बता चुका हूं कि बाबा श्याम का मंदिर कब तक खुलेगा। अभी लास्ट मैंने आपको बताया था 7 या 8 तारीख को मंदिर खुलने की बात थी, परंतु मंदिर द्वारा कोई अभी लिखित में कोई सूचना नहीं आई थी, परंतु अभी भी कोई सूचना नहीं है। परंतु सीकर का जो एक प्रसिद्ध न्यूज़पेपर है भास्कर न्यूज, वहां से हमें एक न्यूज देखने को मिली जिसमें ये बताया जा रहा है कि मंदिर को 9 जनवरी 2023 को खोलने का प्रयासरत है। मतलब 9 जनवरी 2023 को मंदिर को खोला जा सकता है। तो इस न्यूज़पेपर में क्या क्या लिखी हुई है उसकी बातें मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, आप लोग सुन लीजिए। वैसे तो स्क्रीन पे मैं आपको ये लाइव न्यूज़पेपर दिखा देता हूँ ताकि जो नहीं देखे हैं वो लोग देख लें कि आज की न्यूज़पेपर में क्या छपा है। देखिए, मेरा काम है सिर्फ आपको सच से अवगत कराना। अगर आपकी नजर नहीं पड़ी होगी इस न्यूज पे तो कम से कम आप इस न्यूज को देख लीजिए। परंतु मंदिर कब खुलेगा इसके बारे में अभी तक मंदिर द्वारा कुछ फाइनल नहीं हुआ है। आपको मैं ये पढ़ के सुना देता हूँ कि ये न्यूज में क्या आया है। देखिए, इसमें लिखा है 9 जनवरी से खुलेगा खाटू श्याम मंदिर, सुविधा सुरक्षा के साथ होंगे दर्शन। प्रशासन मंदिर कमेटी की रिव्यू मीटिंग जल्द होगी। मतलब वो प्रशासन जो है और मंदिर कमेटी आपस में बैठकर मीटिंग करेंगी। किस चीज पर मीटिंग करेंगी उसके बारे में पढ़ लेते हैं। नए साल में भक्त नई व्यवस्थाओं के साथ बाबा श्याम के दर्शन कर सकेंगे। खाटू श्याम जी मंदिर पूर्णिमा के बाद संभव 9 जनवरी 2023 को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने बताया कि प्रशासन और मंदिर कमेटी की मीटिंग में किए गए कामकाज का रिव्यू होगा। 9 जनवरी को मंदिर खोलने का प्रयास है, मतलब अभी भी 9 जनवरी को खोलने का प्रयास है। पहले मीटिंग होगी, कलेक्टर और मंदिर कमेटी के बीच में मीटिंग होगी, और जब मीटिंग में ये सारी बातें देखी जाएंगी कि कौन कौन से काम हो चुके हैं और कौन कौन से काम पेंडिंग है। अगर थोड़ा बहुत काम पेंडिंग है तो कोई बात नहीं है, परंतु ज्यादा काम पेंडिंग है, भक्तों को परेशानी हो जिससे, तो इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है। अगर काम वहां तक है कि ऐसा लग रहा है कि नहीं भक्तों के लिए मंदिर खोला जा सकता है तो 9 जनवरी को ये लोग खोल सकते हैं, परंतु इसके लिए भी इसमें लिखा हुआ है प्रयास है, अभी कोई कहा नहीं जा रहा, फिक्स नहीं है ये न्यूज भी कि 9 जनवरी को मंदिर खुलेगा ही खुलेगा। परंतु हम तो बाबा श्याम से ही कहते हैं कि 9 जनवरी तक बाबा श्याम भक्तों के लिए मंदिर खोल दे। आगे क्या लिखा वो भी मैं आपको सुना देता हूँ पढ़ के। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों की एक टीम तिरुपति मंदिर भिजवाने का प्रस्ताव है ताकि मुख्य मेले से पहले तिरुपति मंदिर के तर्ज पर व्यवस्थाओं को लागू किया जा सके, इससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिलेगी। तिरुपति मंदिर में बहुत ही सुविधापूर्ण दर्शन होते हैं भगवान के, उसी प्रकार से यहाँ से टीम, राजस्थान से एक टीम भेजी जाएगी, तिरुपति बालाजी मंदिर टीम भेजी जाएगी, और वहां पर वो लोग जाएंगे और उसी तरह से दर्शन करेंगे जैसे एक आम भक्त दर्शन करता है, और वहां पे जो जो सुविधा दी जाती है उन सभी सुविधाओं को वो लोग देखेंगे। देखने के बाद वो इसी वही सुविधा को यहाँ पर खाटू धाम में आकर उसके बाद मीटिंग होगी, उसके बाद अगर उनको ये लगता है कि नहीं ये भक्तों के लिए लागू किया जाना चाहिए तो उन सुविधाओं को वो तिरुपति मंदिर के तर्ज पर वो सारी सुविधाओं को यह इस मंदिर में भी लागू कर सकते हैं। तो देखते हैं तिरुपति मंदिर में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं और क्या क्या नहीं होती हैं, इसके बारे में हम आपको आने वाले वीडियोस में बता देंगे। और तिरुपति मंदिर में हालांकि काफी अच्छी सुविधा है, भक्तों को कोई परेशानी नहीं होती, कोई हादसे का कोई चिंता नहीं रहता, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो और आगे क्या लिखा है इस न्यूज़पेपर में मैं आपको वो भी बता देता हूँ। मंदिर गृह गृह के पास पहले की तुलना ज्यादा खुला क्षेत्र मिलेगा।
जब आप मंदिर के गर्भगृह के पास जाते थे, खड़े होकर बाबा के दर्शन करते थे, तो देखते थे बहुत छोटा सा जगह है, परंतु अब आपको वो जगह क्या है, काफी खाली खाली नजर आएगी और काफी बड़ी भी नजर आएगी वो। और इसके साथ साथ तिरुपति मंदिर के तर्ज पर कतार में लगे हुए खाटू श्याम जी के दर्शन कर सकेंगे। जिस प्रकार तिरुपति मंदिर में लाइन में लगकर दर्शन होते हैं भगवान के, उसी प्रकार से खाटू धाम में भी लाइन में लगकर आप सीधे सीधे दर्शन कर पाएंगे। श्रद्धालुओं का ठहराव नहीं होगा, मतलब अब आप बिना रुके बाबा श्याम के दर्शन कर पाएंगे। बिना रुके, मतलब पहले हम ठहर जाते थे, वहां खड़े होकर जयकारा लगाते थे और कोई हमें सिक्योरिटी गार्ड आगे हाथ पकड़ के आगे करता था, वो सब नहीं होगा। अब सीधी लाइन में आप चलते रहेंगे और बाबा श्याम के दर्शन आप करते रहेंगे। इसके साथ साथ एक न्यूज और है, प्रवेश की कतार सीधी होने से एक समय में ज्यादा श्रद्धालु आएंगे, इसलिए निकासी मार्ग को क्षमता बढ़ाकर कानपुर वालों की धर्मशाला से नया निकासी मार्ग बनाया गया है। तो सोचिए, जब लोग निकलेंगे सीधी लाइन से, जल्दी जल्दी लोग चलते रहेंगे, तो आगे जाके फिर उनको निकलना भी तो है, तो इसलिए जो निकासी मार्ग है, निकलने का जो रास्ता है, उसका जो रास्ता है और ज्यादा बढ़ाया गया, ताकि लोगों को निकलने में कोई परेशानी ना हो और बाबा श्याम के दर्शन करके वो आराम से बाहर निकल सके। इसके साथ जिग जैग खत्म कर 16 सीधी लाइनें बनाई गई हैं, ताकि हादसा नहीं हो। धूप व बारिश से बचाव के लिए पूरे ग्राउंड को 3 शेड कतार किया गया है, जिसमें पहले हम घूमते थे 3 शेड में, घूम जिग जैग होते हुए पहले इधर जग गए, फिर वापस आए, फिर गए, फिर गए, उस लाइन उसको तो पूरी तरह से खत्म कर दिया है। खत्म करके सीधी लाइनों में होते हुए हमें बाबा श्याम के दरबार में जाएंगे और बाबा श्याम के दर्शन करके बाहर से ही बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरह से अब व्यवस्था होगी बाबा श्याम के मंदिर में। और एक और न्यूज हमारे सामने आई है, आज 1 जनवरी 2023 है और इस दिन ये बताया जा रहा है कि मंदिर को 9 जनवरी 2023 को खोला जाएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, परंतु इसमें एक वर्ड जो लगा दिया, प्रयासरत है, मतलब अभी भी कोई श्योरिटी नहीं है। जब तक मंदिर कमेटी या मंदिर की तरफ से कोई लिखित में हमारे पास कोई सूचना नहीं आती, तो हम कोई विश्वास नहीं कर सकते। मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाहता था, परंतु हमें लगा कि आपको हर एक न्यूज पता होनी चाहिए। और कमेंट बॉक्स में हमारे पास भी कुछ श्याम प्रेमी बार बार पूछते हैं कि मंदिर कब खुलेगा। देखिए, हमें भी नहीं पता मंदिर कब खुलेगा। हम भी जो आपको ये सूचना देते हैं, इन्हीं प्रकार की न्यूज जो हमारे पास आती हैं और हमें लगता है कि इस चीज से आपको बताना चाहिए, तो हम भी उसी के आधार पर आपको समझाते हैं, बताते हैं। तो अब आप देख लीजिए, बाबा श्याम से यही प्रार्थना है कि 9 जनवरी 2023 को मंदिर को खोल दिया जाए भक्तों के लिए। हम लोग भी बाबा श्याम के दर्शन करना चाहते हैं। नए साल में हम दर्शन कर लिए हैं मंदिरों में जाकर, परंतु जब खाटू धाम में बाबा के दरबार में जाएंगे और उनसे मिलेंगे, तो उसकी बात ही अलग होगी। तो आप सभी को बाबा श्याम के जल्द से जल्द दर्शन हो, यही मेरी कामना है। और बाबा श्याम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके और आपके पूरे परिवार को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री श्याम।